आज तो सच्ची में रिकॉर्ड ही टूटने वाला है। और मम्मी ने बोला कि कोई भी नहीं सोया हमसे, हमें खेलते खेलते टाइम नहीं पता चला कब हो गया। और गाइस आज सारे पड़ोसी भी सोचेंगे कि हम जल्दी कैसे हो गए। और हमने अभी नहा धो के ना नाइट स्कूटी केयर कर लिया, क्योंकि ना सुबह सुबह कुछ नहीं हुआ, ज़्यादा हैवी बैठेगा तो नाइट स्कूटी पहन लिया है। आज की ताज़ा खबर कि हमारा परिवार सुबह 6 बजे मंदिर जाते हुए दिखाई दे रहा होगा। तो गाइस ये मंदिर के सामने अंकल फूल वूल बेच रहे हैं, माला वाला। बता दो आज आप खुश हो के नहीं हो, आप आपके मंदिर में इतने टाइम बाद हम इतने सुबह सुबह आ गए। तो गाइस यहाँ पे मैंने पूजा कर दिया डन, और अब अंदर चलते हैं। कैसी बनी है कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और गाइज गुड मॉर्निंग, अभी बज चुके हैं सुबह के 6, और आज तो सच्ची में रिकॉर्ड ही टूटने वाला है। और ये रिकॉर्ड कैसे टूटने वाला है मैं बताती हूँ कि रात को कोई भी नहीं सोया, मतलब मुझे कह रही हूँ पापा और दामी दीदी को छोड़ के, बाकी हम सब उठे हुए थे। और आप सबको पता ही है हमारे घर में लेट सोते हैं, हमारा कोई भी टाइम टेबल नहीं है, और रूटीन भी हमारा सारा ख़राब है, आप सबको पता ही है। जैसे कि तो हम सब जो है पापा और दीदी तो जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि पापा जल्दी उठते हैं सुबह घर में, और रात तो सब खेल रहे थे लूडो गेम, और सब पैसों में खेल रहे थे। इनकी बहुत ज़्यादा जिस पैस हो रही थी, मैं तो ब्लॉग एडिट कर रही थी, मुझे नहीं पता, मैं नहीं खेलती ज़्यादा, मुझे पसंद नहीं है। बाकी सब खेल रहे थे, दीदी भी सो गई थी बड़ी वाली, बाकी सब खेल रहे थे। तो खेलते खेलते तो 4-5 बज गए, तो मम्मी ने बोला कि क्यों ना हम सब सुबह हो चुकी है, और आज मंडे है और सबका फास्ट है घर में, मंडे का सावन का। मम्मी ने बोला कि कोई भी नहीं सोया हमें से, हमें खेलते खेलते टाइम नहीं पता चला कब हो गया, और 4 या 5 बज चुके थे। तो मम्मी बोल रही है कि अब सो जाते हैं, तो मैंने बोला कि टाइम तो 4 बज रहे हैं। तो फिर मम्मी ने बोला कि चलो नहा धो लेते हैं फिर मंदिर चलते हैं सुबह। और अभी थोड़ा थोड़ा जो उजाला हो रहा है ये देखो, और 6 बज रहे हैं, अभी 6 बज रहे हैं, पर हमारे यहाँ पे 6-7 बजे मंदिर की आरती होती है। तो अभी हम सब एक एक करके नहा लिए हैं, और सब नहा लिए हैं, मैं मम्मी नैना और प्रियंका दीदी, हम चारों नहा लिए हैं। और आज तो सच में भगवान भी सोचेंगे कि भक्त मेरे सुबह सुबह इतने कहाँ से आ गए, क्योंकि हमारा तो हमेशा टाइम होता था मंदिर जाने का 2-3 बजे 2:30 बजे ऐसे हुआ करता था, आपको पता ही है, आपसे कोई बात छुपी नहीं हमारे घर की। तो हमेशा हम 3 बजे 2 बजे जाते थे, तो आज भगवान भी सोचेंगे अरे ये कहाँ से आ गए, अरे ये कहाँ से आ गए। तो आज हमने खुद को भी मन को भी खुश कर दिया, और भगवान को भी आज खुशी कर देंगे कि इतनी जल्दी आ रहे हैं। और मैं ब्लॉग बाहर आके शूट कर रही हूँ, क्योंकि अंदर मम्मी ने गाने चलाए हुए हैं भगवान के, जिससे शोर होता फिर इरिटेटिंग होती है ब्लॉग बनाने में। और बाकी सबको मैं बोल रही हूँ कि चलो अब मंदिर के सामने ही पूजा वूजा का जो सामान है, फूल माला वगैरह जो भी होगा वो ले लेते हैं। तो अभी चलते हैं अंदर, मैं बोलती हूँ मम्मी को। और गाइस आज सारे पड़ोसी भी सोचेंगे कि हम जल्दी कैसे उठ गए, क्योंकि पड़ोसियों को भी सबको पता है कि हम बहुत लेट उठते हैं, लेट सोते हैं, सब कुछ हमारे बारे में सब कुछ पता है हमारे पड़ोसियों को। और अब और हमने अभी नहा धो के ना नाइट सूटी वेयर कर लिया, क्योंकि ना अभी सुबह सुबह कुछ मन नहीं है ज़्यादा हैवी पहनने का, तो नाइट सूटी पहन लिया है, मतलब सिंपल सिंपल कपड़े पहने, मैंने भी नाइट सूट पहना है। और शायद अभी पूजा वूजा करने के बाद शायद हम सो जाएँ चाय वाय पी के। और मम्मी ने तो वही सूट पहना जो मम्मी रोज सूट पहनती है फास्ट में या ऐसी और दिनों में, तो बंद करना चाहिए। आज की ताज़ा खबर कि हमारा परिवार सुबह 6 बजे मंदिर जाते हुए दिखाई दे रहा होगा आपको, आज की ताज़ा खबर। कुछ कहना चाहोगे मम्मी? क्या कहना? कुछ कहना है? जिंदगी में ये जिंदगी में पहली बार हम मंदिर आ रहे हैं, देख लो यहाँ पे सारे हमें देख के हैरान हो जाएंगे, यहाँ तक कि इस मंदिर के जो पंडित है वो भी हैरान हो जाएंगे, है ना।
तो गाइस ये मंदिर के सामने अंकल फूल वूल बेच रहे हैं, माला वाला। मम्मी माला ले रही है और मैं सामने डेयरी पे जा रही हूँ दूध और दही लेने के लिए। बता दो आज आप खुश हो के नहीं हो, आपके मंदिर में इतने टाइम बाद हम इतने सुबह सुबह आ गए। हाँ, बहुत खुश है। हम ऐसे ही यही बोलते थे कि जल्दी आया करो उठ के। शॉर्ट हो गए। आज आंटी हम सोए नहीं है रात भर। अभी हम पूजा करके आ गए हैं और मैंने घर की पूजा कर दिया अंदर घर में, और अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे जो हमारी तुलसी का पौधा है उसकी पूजा करने के लिए, क्योंकि मैं आपसे डेली जलाती हूँ हमेशा तुलसी का पौधा, और फिर भी ना अब तुलसी ख़राब ही हो जा रही है। अगर आपको कुछ पता हो ना तुलसी के बारे में तो कमेंट करके बताना। अभी फ़िलहाल मैं आ गई हूँ यहाँ पे सारे पौधों में थोड़ी सी धूपबत्ती और जोत जलाने के लिए। तो गाइस ये है तुलसी का पौधा, और ये जैसे कि आपको दिख रहा होगा पौधे के अंदर पत्ते थोड़े थोड़े गिर रहे हैं, और थोड़े दिनों बाद ना ये पूरा ही झड़ने लग जाएगा, बिल्कुल ही गंजा हो जाता है, मतलब एक भी पत्ता नहीं रहता है। ऐसा पता नहीं क्यों होता है हमारे हमेशा। और अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए सारे पेड़ पौधों की, और विश मांगती हूँ कि ये सारे पेड़ पौधे हरे भरे रहें हमेशा, और मैं इनकी यूँ ही सेवा करती रहूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये। यहाँ पे मैंने पूजा कर दिया डन, और अब अंदर चलते हैं चाय वाय पीते हैं और
और फिर चलते हैं। तो गाइज मैं आपको बता रही थी ना कि हमने यहाँ पे पूरा कवर अप करवा दिया, यहाँ पे ये ना ये फट्टा लगाया हुआ है हमने ताकि कुत्ते और बिल्ली ना आए। कुत्ते तो नहीं आ रहे हैं पर बिल्ली तो फिर भी आ रही है, क्योंकि बिल्ली तो पतली सी है, कहीं से भी आ जाती है, यहाँ से भी आ जाती है, हर जगह से आ ही जाती है। इस मैंने यहाँ पे घर की भी पूजा कर दी है और बाहर भी कर दी है, और अभी अंदर चलते हैं देखते क्या कर रहे हैं सब। तो गाइस अभी ये जस्ट टीवी बंद हो गया, यहाँ पे अभी ब्लॉग नहीं होता, ब्लॉग होता है, ब्लॉग चल रहा था। अभी अभी जो मैंने अपलोड किया है वही ब्लॉग था ऋषिकेश का। अरे यार ये क्या फंस गया है यहाँ पे, ये हाँ तो क्या कह रहे थे हम, सोए नहीं आप, ये ना कुछ अगड़म सगड़म खा के बीमार हो जाती हैं दीदी, हमेशा दही चाहिए होती है हर चीज़ के साथ। ये हमारी नज़र लग गई, खाते खुदो नज़र हमारी। क्या बातें चल रही थी, मैं तो भारती, क्या बातें चल रही थी। थोड़ा मम्मी मैनर्स होता है, थोड़ा ना उठ के भी बोलना होता है ऐसे लेटे थोड़े मैनर्स भी होते हैं मम्मी। आपने तो स्कूल पढ़ा नहीं, हमने तो थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो थोड़ा बहुत तो हमें आता ही है। आए हाय क्या हो गया, दर्द हो रहा कमर में बहुत ज्यादा, पूजा करिए ना आज जल्दी। हाँ तो क्या बोल रहे थे, आज का दिन बहुत अच्छा दिन है लेकिन जाए तो है। हाँ दिन तो खराब ही जाते हैं आज, क्योंकि नाग पंचमी है ना, आज चार चीजें हैं, नाग पंचमी है और पता नहीं क्या क्या बता रहे पंडित जी, पता नहीं क्या क्या बता रहे, वो भी हमें देख के शॉक्ड हो गए कि इतनी जल्दी कैसे आ गए, शॉक्ड हो गए हैं जी मंदिर आई है 6 बजे से पहले। आज हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया है दीदी, आज हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया, मर जाएगी खा के और सॉरी पीछे कोई नहीं सब, इसके गैस हो गया है बड़ा भारी और इसको चाहिए चांप, उससे ठीक होएगा इसके, आज तो वर्त है, क्या करें फिर 12 बजे का इंतजार, 12 बजे का इसको इंतजार करना पड़ेगा। और गाइस दीदी बोल रही है कि मैं सो रही थी और तुम कोई भी नहीं थे, मैं डर गई कि सब कहाँ गए, और टीवी ना ये हमेशा ऐसे ही बंद होते जाता है। क्या फिल्म है, क्या हो गया है, अभी तो बोला मैं चाय नहीं पी रही, चाय में कर ओहो उल्टी आ जरा बिस्तरे बचा के, अभी अभी नई कमर ये ली है, अगर चाय उल्टी कर चाय के अंदर ही कर देते, इतनी हिम्मत रखती चाय वाली उल्टी वाली है ना, ये भी पी जाएगी, चाय की इतनी दीवानी है, और आज पहली बार चाय मना कर रही है, पहली बार फिर भी पिएगी। आज बज चुके हैं और अभी हम अभी तभी मम्मी हम 4 बजे उठे थे और सुबह ना हम मंदिर से आने के बाद चाय वाय पी के सब सो गए थे, और उस टाइम हो रहा था 8 बज रहे थे, पर मैं और बड़ी वाली हम बातें कर रहे थे, मैं और दीदी नहीं सोए थे, बाकी सब सो चुके थे, और उसके बाद थोड़ी देर बाद ना मैं भी सो गई थी, और अभी 4 बजे उठे हैं और अभी तो 5 बज रहे हैं, और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा चाय वाय बनाने, और देखती हूँ कपड़े अपने चेंज करती हूँ या फिर इसी में रहती हूँ। गाइस दीदी अपनी शॉप के लिए न्यू कलेक्शन लेके आई है और बहुत सुंदर सुंदर पीसीस है, थोड़ा थोड़ा मम्मी पहन के भी देख रही हैं क्योंकि मम्मी भी खरीद रही है कपड़े, और मैंने भी पहने हैं, देखो सामने शीशे में दिख रहे होंगे कपड़े, ये थोड़े बहुत सुंदर सेट है। ओए अगर अभी मैं गिर जाती, तो गाइस अगर आप किसी को कपड़े लेने हो ना जैसे मर्जी, तो दीदी अपनी शॉप का एड्रेस बता दो, थोड़ा तेज रघवी नगर में है मेरी शॉप। अच्छा हाँ रघवी नगर, ये देखो इतने सुंदर सुंदर कोट सेट है, सेटिंग इधर ना इसका सेट ना इसका सेट,
और गाइस ये मैंने भी पहना है, अभी अभी पहन के देखा है। ये देखो कितना सुंदर कोट सेट है। दीदी ने बोला है अगर लेना हो तो ले लेना, मैंने वैसे ही पहन के देख लिया, बहुत सुंदर है, लग भी नहीं रहा पहने हुए कपड़े, इतना सॉफ्ट कपड़ा है। तो गाइस हमारी वर्त का खाना बन चुका था सेवियाँ, और दीदी ने पहले सेवियाँ, ये दूसरी थी, दीदी ने इनको घी में पहले भूना और फिर हमने बनाई। मीठा तेज बता रहे हैं सब, है ना। और मम्मी बोल रही है, मम्मी बोल रही है मेरे लिए सही है, मम्मी तेज खाती है मीठा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वो खांसी हो रही है ना, आपकी खांसी नहीं हो रही। और गाइस हम 12 बजे के बाद आज खाने वाले हैं दीदी की हाथों की आलू वाली मैगी, इतना सालों बाद, है ना। दीदी तो इंतजार ही कर रही है, दीदी कितनी प्लेट खाएगी है। तो गाइस इनकी तबीयत ना खराब है कुछ कल से, इनको शायद बीपी हो रहा होगा, है ना, उल्टियां हो रही है कल से, घबराहट हो रही है, उल्टियां हो रही है। तो गाइस मैंने जब से शाम से अभी तक कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मन ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी, इतनी आलू पसारी है, जबकि आज ना घर भी बिल्कुल फैला हुआ पड़ा है, प्रेस व्रेस के कपड़े पड़े हैं, मैंने वो भी समेटे नहीं। और अभी 12 बजे ना, मैं 10 मिनट है, तो दीदी सबके लिए मैगी बना रही, मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे ये देखो सारे कपड़े उपड़े पड़े हैं, मैंने आज कुछ समेटा ही नहीं है, कुछ मन ही नहीं कर रहा करने का। गाइस यहाँ पे हमारी बन रही है मैगी, दीदी बना रही है पूरी, दीदी हो गए पसीने में। कितनी मैगी बनाई है? 12 मैगी। गाइस आपको पसीने दिख रहे हैं कितने आ रहे हैं, ये मेरी मेहनत है। यहाँ पे मैगी, अभी मैगी का पानी उबल रहा है ना, पानी नहीं आलू डाल। अच्छा आलू है, हाँ। कैसी बनी है? मैंने तो खाई नहीं अभी तक, मैगी तोड़ के नहीं गिरी जब भी ना, ये लंबी लंबी हो गई। हाँ।